हमारे अपने हमारी बेटी के जो भी पेरेंट्स आए बसी से और हमारे अपने झगड़ोली से आए, हमारा बच्चा निकला, उनके माता पिता और सभी इलाके से आए बुजुर्गों नौजवान साथियों, एक बच्चा हमारे बीच में नहीं पहुंच पाया खातो दड़ा से, वो भी आपके बीच में जल्दी आएगा, अभी रेवाड़ी से उल्ली साइड में है। बुजुर्गों नौजवान साथियों, जिस प्रकार की आज आपके बीच में जिन खुशियों को हम बांट रहे, ये कोई एकला किसी एक आदमी के प्रयास से काम नहीं हुआ। 1995 में जिस प्रकार से आपने एक यदुवंशी नाम का पौधा लगाया और उस पौधे लगाने में जो आपके बीच में बोल रहा था हमारे राजेंद्र जी, उन्होंने वो पौधा लगवाने का काम किया और जिस प्रकार की इलाके में एक कंपटीशन आया, हमारे बाद में बाबू ओम प्रकाश आरपीएस स्कूल की शुरुआत करने का काम किया, सूरज आई, टैगोर आई, काफी स्कूलें, सभी स्कूलों ने जिस प्रकार का प्रयास किया, मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद भी करता हूं। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाने का काम सभी साथियों ने किया, लेकिन शुरुआत जिस प्रकार से आपने की और उसको लेकर के जिस बात को लेकर के हमने शुरुआत की, इसको सारे इलाके को जिस प्रकार से काला पानी कह करके पुकारते थे, बैकवर्ड एरिया कह करके पुकारते थे, और इस प्रकार से आपको देखने का काम पूरे हरियाणा प्रदेश में, देश में हमारे को इस तरीके से देखते थे जिस प्रकार से हम गुलाम थे और अंग्रेज जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाई को काला कह करके दूर करने का काम करते थे, उसी प्रकार से सारे इलाके को, महेंद्रगढ़ को, आपके नजदीक लगते राजस्थान को हमारे को बैकवर्ड या बागड़ी कह करके दूर करने का काम करते थे। हमारे इलाके में एजुकेशन नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से आपने शुरुआत की और आपने शुरुआत करने के बाद में जिस प्रकार का इलाके में लोगों ने सहयोग दिया, मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सभी ने मिलकर के इस मुहिम में जुड़ करके आज आपके बीच में, आज हर साल आपके बीच में आईएएस की बात करते हैं, सबसे बड़ा पेपर है और सबसे बड़ी अधिकारी की कुर्सी है, ये कोई अब की बार इन बच्चों ने, चारों ने निकल करके जिस प्रकार का माहौल बढ़ाया, 11 बच्चे पूरे प्रदेश में निकले और 4 बच्चे आपके अपने ब्लॉक से 3 और नारनौल से 1, 4 बच्चे निकले। और मैं ये कहूं कि इन बच्चों ने जिस प्रकार की आपके बीच में कंपटीशन लड़ करके 5वां 11वां और हमारे 2 बच्चे अच्छा रैंक लेकर के आपके बीच में आया, 345 569, वो बच्चे सारे के सारे सिलेक्शन होंगे। मैं इसी प्रकार पिछली बार भी आपके बीच में, पिछली बार भी आपके 2 साल पहले 5 बच्चे और निकले थे, 3 बच्चे एचसीएस में निकले थे आपका। अब तो लगातार कोई भी आपका सिलेक्शन होता है उसमें जिस प्रकार से अब की बार ये 11 में से 4 गए, इसी प्रकार से कोई भी जहां भी सिलेक्शन होता है उसमें आपके बच्चे, अब तो 40% बच्चे आपके सिलेक्शन होते हैं। मैं तो आप से, भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, अगर ईमानदारी से सारा काम चला, अभी आपके बीच में कह रहे थे, अगर राजनीतिक दृष्टि से हमारे डीओ साहब कह रहे थे हम कहीं कहीं कमजोर रहे, लेकिन राजनीति की कोई बात नहीं, हमें सबसे मजबूत अगर बनना है तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को संभालना पड़ेगा, जब आपके अधिकारी बच्चे होंगे। मैं भी दोस्तों एमएलए रह करके आया हूं, जितना आज अगर किसी अधिकारी की चलती है, कोई राजनीतिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई आपके बीच से मुख्यमंत्री भी बनकर के चला जाएगा तो इन अधिकारियों से कोई बड़ा नहीं है, ये अधिकारी हम 5 साल के बनते हैं और ये 58 साल तक आपके बीच में रहेंगे। आज हमारे बीच में बेटी बैठी है, ये जिस भी प्रदेश में जाएगी, जहां भी इसको सेवा करने का मौका मिलेगा, ये 4 बच्चे, मैं तो इनसे यही प्रार्थना करता हूं, जिस प्रकार से हमने एजुकेशन को ईमानदारी से चलाने का काम किया है। बेटे आपको देख करके आज मैं बात कर रहा था, झगोली के बच्चे के पास में गया, सुबह सुबह जब मैं गया तो मेरे को इस बात का पता नहीं था कि ये यदुवंशी का बच्चा है, लेकिन जब मैं गया तो इसके माँ बाप का जो मैंने देखा, जिस प्रकार से इन्होंने बच्चों को पढ़ाने का काम किया, मैं देख करके
कहीं के अपने आप में अचंभा कर गया, बूदड़ी के लाल ऐसे पैदा होते हैं। इसके दो, एक भैया डॉक्टर बन रहे हैं और एक बहन आपके बीच में एनटीएच ने वो एमटेक कर रही है। और इसी प्रकार से जब मैं खातोदरा पहुंचा, उस बच्चे को भी मैं सम्मानित करने के लिए उसके मम्मी पापा के पास हम पहुंचा, तो असली देखने को लिए मुझे मिला कि शायद उसकी मम्मी पापा आए भी नहीं होंगे। मैंने उनसे प्रार्थना भी की थी, आप जरूर आना, और उस बच्चे से भी कहा था आप भी जरूर आना। मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ, मैंने देख करके अचंभा कर गया। मैंने वहां एक घंटा आराम से लगा। अगर असली बूदड़ी का लाल देखना हो तो भाई असली बात तो खातोदरा में जाकर के देखना। बाप भी बिल्कुल बेचारा फार्मर, मैं गया तो अपनी झाड़ू हाथ में और गोबर गालने लग गया। और जब उनकी माँ की, मैंने कहा इसकी माँ और देखना था, मैंने माँ की तरफ देखा तो मैं एक बात कह सकता हूँ भाई, असली अगर भगवान है तो वो है जिनको ऐसा लाल पैदा करने का काम किया, चार बच्चे नहीं करे। और हम आस करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, पहले कहते थे इलाके में 1995 से पहले कहते थे, बोलो डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनता है, आईएएस का बच्चा आईएएस बनता है, आईपीएस का बच्चा आईपीएस बनता है। लेकिन आपके इलाके ने रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, आज फार्मर का बच्चा आईएएस बन रहा है, आपका डॉक्टर का बच्चा नहीं एक मजदूर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है। आपने लंबी लाइन लगाने का काम किया। मैं सारे इलाके के जो भी हमारे पेरेंट्स बैठे हैं, अभिभावकगण बैठे हैं, आज सारे नौजवान साथी खड़े हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सबका धन्यवाद करूंगा। और खास करके हमारे जितने भी स्कूल के साथी बैठे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा इसी मुहिम में जुड़ता रहना। आज आपका कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी आए, चाहे कोई एजुकेशन की बात करें, चाहे सर्विस की बात करें, आप हर जगह कहीं भी चाहे। आज पीछे 4-5 दिन पर मेरी मेन जेई का रिजल्ट आया, 21वां स्थान आपका देश में, 37वां स्थान आपका, 82वां स्थान आपका, तो आप देश में आज लगातार रहे हो। और मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर इसी धुन के साथ आप लगे रहे तो दिन दूर नहीं 50% बच्चे यहाँ के लगेंगे। हमें कोई दुख नहीं, हमें कोई राजनीतिक लोगों की दुख नहीं, हमारे तो बच्चे पढ़ने चाहिए। बच्चे जब पढ़ जाएंगे तो राज हमारा होगा सारा। ये राजनीतिक तो 5 साल के लिए होते हैं, और ये परमानेंट हम इनको सीएम बना करके भेज रहे हैं। ये काम करेंगे और ये इलाका की तरक्की करेंगे। मैं इन बच्चों का, इनके पेरेंट्स का, और इनके मैं ये कहूँ कि चाहे नाना की बात करूँ, चाहे नानी की बात करूँ, चाहे मामा मामी की बात करूँ, चाहे दादा दादी की बात करूँ, और पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ। इन बच्चों ने बहुत बड़ा नाम कमा करके आज इलाके का नाम रोशन किया, हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया। आपका सभी का मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।